नमस्कार। अफगानिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। काबुल, कंधार, हेरात और जलालाबाद सहित 25 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। काबुल हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। लाखों लोग फंसे हुए हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। इन लाखों लोगों के बीच क्रिकेटर राशिद खान की फैमिली भी फंसी हुई है। राशिद खान लगातार ट्विटर के जरिए शांति की अपील कर रहे हैं और दुनिया से मदद मांग रहे हैं। अब ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का कहना है, अफगानिस्तान में इस समय जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसको लेकर स्पिनर राशिद खान बेहद चिंतित हैं। वो अपनी फैमिली को देश से बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें, राशिद इस समय इंग्लैंड में है जहां वो द 100 लीग में ट्रेंट रॉकेट्स की ओर से खेल रहे हैं, लेकिन अपने देश की बदहाली देखकर वो काफी परेशान है और लगातार दुनिया के नेताओं से पूरे मामले में दखलअंदाजी करने की गुहार लगा रहे हैं। राशिद ने ट्वीट करते हुए शांति की अपील की। इससे पहले उन्होंने 10 अगस्त को ट्वीट किया था और दुनिया से मदद मांगी थी, लेकिन तालिबान के रवैये को देखते हुए कोई देश आगे नहीं आ रहा है। वहीं अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। एयरपोर्ट पर भीड़ होने के बाद विमानों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। काबुल से बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं। तालिबान की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही तालिबानी लीडरशिप काबुल आ सकती है, उसी के बाद नई सरकार बनाने का सिलसिला शुरू होगा। इससे पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। फंसे हुए आम लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पूरा देश कब्रगाह बनता जा रहा है और दुनिया तमाशबीन बनी हुई है।